और महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर तथा एनजीओ डब्ल्यूसीबी फाउंडेशन इंडिया पाटन गुजरात, इनके तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हम आयोजित कर रहे हैं। यह सेमिनार 18 जनवरी से 20 जनवरी 2023 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर आयोजित हो रहा है। ऑफलाइन मोड पर ये सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर में और ऑनलाइन मोड पर गवर्नमेंट राजऋषि ऑटोनॉमस कॉलेज अलवर में होगा। इसका विषय है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरनमेंट अर्थात ICMHRE 2023। इसका विषय रखा है, विषय ज्वलंत है और समसामयिक है। दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, पूरा संसार जिस चीज़ को लेकर चिंतित है, उसी को हमने मुद्दा बनाया है, विमर्श का मुद्दा बनाया है। मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इसको हमने मल्टीडिसिप्लिनरी रखा है, यानी जितनी भी विधाएं हैं ज्ञान की, स्कूल्स ऑफ नॉलेज, उन सभी में ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट के विषय में क्या सोचते हैं वो धाराएं, ज्ञान की वो विधाएं, और उनसे रिलेटेड विद्वान और विदुषी स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और जो भी इसमें प्रतिभागी होगा, वो जिस भी धारा का है, उस धारा में ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट को कैसे वो समझता है, समझाएगा और दुनिया के सामने कुछ नई चीज़ रखेगा, ताकि इस मानवता को, बल्कि मानवता क्या कहूँ, इस पूरे पर्यावरण को, प्रकृति को बचाया जा सके। खुशी की बात है, इस कॉन्फ्रेंस में अब तक 20 देशों के 500 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। इसमें 10 की नोट स्पीकर और 4 तकनीकी सत्र होंगे। जो 20 देशों के प्रतिनिधि हैं, उनमें चाइना, अमेरिका, कनाडा, मिस्र, फिलीपींस, मोरक्को, अल्बानिया, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यमन, इंडोनेशिया, इथोपिया, कैमरून, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, तंजानिया, नेपाल, श्रीलंका, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, घाना, म्यांमार, गयाना और भारत के प्रतिनिधि होंगे। मैं ये जो 18 तारीख को इसका उद्घाटन समारोह होगा, उसके मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब और माननीय श्री भंवर सिंह भाटी जी एवं माननीय राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती इसके गेस्ट होंगे। और इसका जो समापन है 20 तारीख को, समापन समारोह, उसमें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण व्यास पूर्व जस्टिस होंगे। मैं इस अवसर पर महारानी सुदर्शन कॉलेज के प्रिंसिपल विदुषी प्रोफेसर विजय श्री जी का साधुवाद ज्ञापित करता हूं और उनकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यानी महारानी सुदर्शन कन्या कॉलेज की आयोजन सचिव विदुषी डॉक्टर शशि वर्मा जी का और मेरे कॉलेज से आयोजन सचिव विदुषी डॉक्टर ममता शर्मा जी का, और इनके बीच में ही चेयरपर्सन्स भी हमारे बीच में रहेंगे, डॉक्टर राकेश हर्ष जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं बीकानेर डिवीज़न के उनका, और डॉक्टर निशीत धारिया जो फाउंडर ऑनरेरी डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डब्ल्यूसीबी फाउंडेशन इंडिया, जिनके साथ हमारा MOU भी होगा। RR कॉलेज का ये पहला MOU हम बीकानेर में करेंगे। इन सभी के प्रति और जितने भी रिसर्चर्स, विद्वान इस महायज्ञ में जुड़ रहे हैं, उन सभी के प्रति मैं साधुवाद और आभार ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे
जो निष्कर्ष निकलेंगे इस विमर्श से, इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से जो चिंतन सामने आएगा, उसको हम लिपिबद्ध कर जनता के सामने, समाज के सामने पुस्तक आकार में प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।